बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी नज़रों से एक वीडियो गुजरी, मैंने कहा आपको भी दिखा दूं। मैंने वीडियो अपलोड की है लेकिन यूट्यूब वालों ने उस वीडियो को रिजेक्ट कर दिया है, लिहाजा अब मैं आपको बताना चाहता हूं असल वीडियो क्या थी। वीडियो ये थी कि एक जो इलाके का ज़िम्मेदार है चूनिया जहानिया या चूनिया गाँव का, वो 5 साल के बच्चे को उल्टा लटका के उस पर तशद्दुद कर रहा था कि आया, चाहे वो बास शख्स है, चाहे वो बाप है, चाहे वो भाई है, चाहे वो उस्ताद है, चाहे वो किसी भी रिश्ते से उस बच्चे 5 साल के बच्चे का कोई भी रिश्तेदार लगता है, किसी भी रिश्ते से उसका रब्ता कोई उससे अटैचमेंट है, लेकिन ये गलत है, टोटली रॉन्ग है। उस शख्स के खिलाफ, वो शख्स नहीं है, वो जानवर है, उस शख्स के खिलाफ हमें भरपूर मुहिम चलानी चाहिए, उसके खिलाफ एक प्लेटफॉर्म यूज़ करके कानूनी तौर पे। आपने वीडियो देखी होगी, यकीन माने कि इंतहाई अफसोस, और मैं अब वो अल्फाज नहीं है मेरे पास जो मैं कह सकूँ, गुस्सा, इंसानियत, ये इंसान के काबिल ही नहीं है ये शख्स जो 5 साल के बच्चे को उल्टा लटका के पुनिश दे रहा है, सजा दे रहा है, या इसका क्या मतलब है? उस बच्चे ने इतना क्या किया है गुनाह के उसे उल्टा लटका दिया है? और कम अज़ कम इंसान को कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए, ये तो इंसान के काबिल भी नहीं है। ये जी कोई तहरीर आई है, ये चूनिया चूनिया का कोई है, हमारे पाकिस्तान में चूनिया कोई इलाका है, उसका कोई बाअसर शख्स है, उसने उसके वालदैन वालद साहब से कोई वो हुई है, मुजाहमत हुई है, कोई तूतराक हुई है, कोई उससे गलती हुई है, उसका बदला उसके बच्चे 5 साल के बच्चे को सजा दे के ले रहा है। यार ये बंदा आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये इंसान के लाने के काबिल है? ये होती हैं, ये होते हैं घटिया इंसान, घटिया जानवर, ये इंसान नहीं है, ये कोई जानवर है। और ऐसे शख्स को यकीन माने कि चौक पे चौक पे खड़ा करके सजा दी जाए, और सबसे पहले तो इसके खिलाफ सोशल बायकॉट करना चाहिए। इसे कोई भाई ना कहे, इसे कोई बेटा क्लेम ना करे, इसे कोई अपना बाप क्लेम ना करे, इसे कोई अपना हमसाया क्लेम ना करे, इसे कोई अपना दोस्त क्लेम ना करे, और इसे कोई कारोबारी क्लेम ना करे, इसे तो कुछ नहीं कहना चाहिए, कुछ भी, कोई भी इंसान इसे अपना किसी हवाले से भी अपना रिश्तेदार, दोस्त, यार, किसी किस्म से का भी रिश्ता इसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। यार इसने तो इंसान की तोहीन कर दिया, यकीन माने। अल्लाह ताला अगर मुझे इक्तदार देता या अल्लाह ताला मुझे इतनी ताकत देता तो मैं इसे वो सजा देता कि दुनिया देखती, और ऐसे लोग कभी भी ऐसी हरकत ना करते। ये लोग मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हैं, ये लोग मेंटली तौर पर जानवर हैं, जानवर, और इनके खिलाफ आवाज़ उठाना मैं समझता हूँ कि फ़र्ज़ है, और इनके खिलाफ कार्रवाई करना फ़र्ज़ है। और मैं उस इलाके के लोगों को कहता हूँ कि इस जुल्म पे खामोश रहना ये भी जुल्म है, इस जुल्म पर बिल्कुल खामोशी इख्तियार ना करें, बिल्कुल इसका बायकॉट करें, इसके खिलाफ जितना हो सके मुहिम चलाएं, और इसे सजा दिलवाने के लिए कानूनी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें, बिल्कुल कानूनी और भरपूर तरीके से कानूनी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके इसके खिलाफ कार्रवाई लाजमी करवाएं, ताकि ऐसा इंसानियत सोच वाक्या बाद में कोई भी कर ना सके। गो के इससे बड़े या छोटे वाक्यात होते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, बड़े बड़े वाक्यात होते रहते हैं, लेकिन ये वाक्या उन वाक्यों से भी अनोखा वाक्य है, और बिल्कुल ही इंसानियत की तजलील का वाक्य है। खुदा रा आप तमाम अहले इलाका जो इस इलाके के, जो इस जानवर को जानते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, अपील करता हूं कि इसके खिलाफ भरपूर मुहिम चलाएं और कानूनी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके इसके खिलाफ
इसे सजा दिलवाएं और हर सूरत में दिलवाएं। अगर कोई पुलिस वाला इसके हक में बोलता है वो भी इंसान नहीं है, अगर कोई जज इसे रिलीफ देता है वो भी इंसान नहीं है, जो भी इस जानवर की हमायत करेगा वो इंसान नहीं है। हमें अपने गिरबान में जाग ढांकना चाहिए। हमें कम अज कम गलतियां हमसे होंगी क्योंकि हम इंसान हैं, लेकिन जानवरों जैसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। ये तो जानवरों जैसी गलतियां। अल्लाह ताला हमें नेकी की अदायत दे, अल्लाह ताला हमें आबाद रखे, अल्लाह ताला हमें जुल्म के खिलाफ बोलने की हिम्मत ताकत दे। अल्लाह ताला तमाम का हामी और नासिर हो।